दोस्तों आप में से हर किसी ने शायद रोबोट मूवी जो आई थी रजनीकांत की वो मूवी देखा होगा, जिसमें रोबोट ने अपने ही साइंटिस्ट के ऊपर जो है अटैक किया था, अपने ही साइंटिस्ट को मारने की कोशिश की थी जिसने उसको बनाया था। दोस्तों ठीक उसी तरह का एक वाकया जापान में हुआ है। इसका जो है वीडियो वायरल हो रहा है कि वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन के लिए 4 रोबोट बनाई गई थी AI टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का। और उस लैब के अंदर जिन साइंटिस्ट ने उनको बनाया था, टोटल 29 लोगों को उस रोबोट ने जो है मार डाला। तो दोस्तों जब उनको बंद करने की कोशिश की जा रही थी, उसमें 3 रोबोट को डिसमेंटल कर दिया गया, लेकिन एक रोबोट ऐसा था जो बार बार खुद को रिबिल्ड कर रहा था किसी ऑर्बिटल सैटेलाइट से, खुद को कनेक्ट करके और बार बार डाटाबेस को डाउनलोड करके खुद को पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके वहाँ पे जो है अटैक कर रहा था हर किसी के ऊपर। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है, आपने भी देखा होगा। ये वीडियो का क्लिप थोड़ा सा आप देख लीजिए। He told me, quote, at a top robotics company in Japan this week, 4 robots being developed for military applications killed 29 humans in the lab. And they did it by shooting what he called metal bullets. I didn't know there was any other kind. The scariest part is that lab workers deactivated 2 of the robots, took apart the 3rd. But the 4th robot began restoring itself and somehow connected to an orbiting satellite to download information about how to rebuild itself even more strongly than before. तो दोस्तों इस वीडियो में ये लेडी बता रहे हैं इस इंसिडेंट के बारे में कि इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ है जहां पे जापान में 4 मिलिट्री रोबोट्स ने टोटल 29 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों AI जो है एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है और AI को लेके बहुत लोगों ने बहुत सी चीज़ें बताई है, जैसे इलॉन मास्क ने भी AI को फ्यूचर के लिए खतरा बताया है। ये क्लिप आप देख लीजिए जहां पे वो बता रहे हैं कि AI हमारे लिए किस तरह से खतरा बन सकता है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. तो दोस्तों अभी बात करते हैं यहाँ पे फैक्ट पे। दोस्तों क्या AI हमारे लिए सच में इतना ज़्यादा खतरा ला सकता है? क्या ये जो दावा किया जा रहा है, जो लेडी यहाँ पे बता रही है, या फिर इंटरनेट में जो चीज़ें वायरल हो रहा है कि AI ने 29 लोगों को मार डाला रोबोट्स ने, क्या ये सच है, झूठ है, क्या फैक्ट है? दोस्तों देखिए, AI हमारे लिए जो है बनाया गया है कि हमारे कामों को AI आसान कर दे, रोबोट आसान कर दे। और अभी भी हम रोज़मर्रा की चीज़ों में काफ़ी सारे AI रोबोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, काफ़ी हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रहे हैं रोबोट, काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री ऑपरेशंस में यूज़ हो रहे हैं। दोस्तों AI तो हमारे काम के लिए है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 50% चांस ये भी है इन फ्यूचर में भी AI इस तरह का खतरा ला सकता है, अगर अभी हमने AI को सच में कंट्रोल करना चालू नहीं किया। क्योंकि AI को अगर हम ओपन सोर्स में डाल देंगे, AI खुद ब खुद सारा चीज़ें डाउनलोड करके खुद को इस तरह से रिबिल्ड करेगा, मे भी हो सकता है AI को कोई दूसरा कंट्रोल करे, या फिर AI अपने आप ही कंट्रोल करने का इस तरह का उनके अंदर कोई सॉफ्टवेयर ले आए। क्योंकि आपने AI को ओपन सोर्स में सारे चीज़ों को उनके अंदर इनबिल्ट कर दिया ताकि वो खुद डाउनलोड कर सके, खुद रिबिल्ड कर सके, तो ये मे भी हो सकता है। यहाँ पे कोई इस तरह का पुख्ता सबूत नहीं है कि AI सच में फ्यूचर में इस तरह अपने आप ही काम करने लगेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो वीडियो आपको मैंने दिखाया है, जो क्लिप दिखाया, दरअसल ये वीडियो अभी का नहीं है। दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो जो है 2018 का है। जो यहाँ पे जो लेडी है उनका नाम है लिंडा, इन्होंने 2018 में LA के अंदर, यानी कि लॉस एंजलिस में, एक सेमिनार हुआ था AI के ऊपर, तब इन्होंने ये कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी बताया था। ये कोई मतलब सबूत के आधार पर इन्होंने नहीं बताया, कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी बताया जिसका अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। और जापान में इस तरह का कोई भी रिपोर्ट नहीं मिला है कि AI ने 29 लोगों को जापान में मारा है। कोई भी इस तरह का रिपोर्ट जो है ना तो पुलिस के पास है, ना तो जापानी मीडिया के पास है। तो ये वीडियो जो है काफ़ी सारे जगह मैंने सर्च किया और हर जगह इसको बस जो है दोस्तों फैक्ट बताया जा रहा है, फेक बताया जा रहा है। तो इस वीडियो का कोई भी सबूत, कोई भी आधार नहीं होने के वजह से ये जो लिंडा है इनका इस वीडियो को फेक बताया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे लिंडा का जो वीडियो है 2018 का है, लेकिन ये अभी वायरल हो रहा है, तो मैंने सोचा आपको भी इस चीज़, क्योंकि हो सकता है धीरे धीरे दोस्तों देखिए हमारा आसपास के जो मीडिया है क्या से क्या बना दे, तो मैं सोचा आपको भी इस बारे में बताऊँ। तो अगर आपके पास भी इस तरह का वीडियो आए तो आपको पता रहेगा पहले से। दरअसल ये कोई मतलब पुख्ता जानकारी, पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं है, वीडियो 2018 का, और जापान में इस तरह का कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं की गई है, ना तो इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है बोल के जापान की मीडिया, पुलिस किसी ने जो है कहीं पे भी पब्लिश नहीं किया है।
दोस्तों बाकी सारा एआई को लेके दोस्तों इलोन मस्क टाइम टाइम पे बताते रहते कि एआई फ्यूचर के लिए ख़तरा है। हाँ, हालांकि वही सबसे ज़्यादा एआई के ऊपर रिसर्च और एआई के ऊपर काम करते हैं। बाकी एआई जो है फ्यूचर के लिए कितना अच्छा है कितना बुरा है वो वक्त बताएगा। फिलहाल हमें एआई से फ़ायदा ही लेना चाहिए क्योंकि अभी एआई से इस तरह का कोई ख़तरा दिख नहीं रहा है। फ्यूचर की बातें आगे हम देखेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को चाहिए तो चैनल के साथ जुड़े रहे। अगर यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे तो सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर देख रहे तो पेज को फॉलो करना और अपना कमेंट जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।